और हमारे जो AICC ने ऑब्जर्वर लगाए हैं प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में, ये 3 महत्वपूर्ण बैठकें आज हुई हैं। सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। हमने एक कार्य योजना बनाई है कि किस प्रकार से हमें लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों के साथ में जाना है, कैसे तैयारी करनी है, कब लोकसभा क्षेत्र में संगठन और जनप्रतिनिधियों के साथ में समन्वय के साथ में बैठक करके और वहाँ पर हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। और जो स्क्रीनिंग का काम है, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन मैडम भी आई थी और हमारे मेंबर साहिबान प्रकट सिंह जी हैं, बाकी चले गए हैं, तो इन्होंने भी सबसे चर्चा की है। और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके सिलेक्शन के लिए भी हम प्रदेश इलेक्शन कमेटी के लोगों की एक टीम बना करके और हम लोग उनको भेजेंगे और वो चर्चा करेंगे प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में और वो अपने सुझाव प्रदेश इलेक्शन कमेटी को देंगे। और हमारे प्रभारी साहब ने हमको सबको गाइड किया है कि किस प्रकार से हमें लोकसभा चुनाव में, क्योंकि देखिए जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें देश के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और देश के मुद्दों में जो 10 साल की मोदी सरकार की विफलताएं हैं, जो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे वादे नहीं निभाने का मुद्दा हो, वो सारे के सारे मुद्दे हमारे सबके सामने हैं। और लोगों में एक आक्रोश है कि मोदी जी को 10 साल दे दिए लेकिन उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया है। और जो हमारे राजस्थान के अंदर जो अच्छी योजनाएं थी उनको भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में उनको बंद कर रही है, उनके ऊपर काम नहीं कर रही है, जनता परेशान हो रही है। तो हमारे पास में जो लोकल बातें भी हैं लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 10 साल दे दिए मोदी जी को, उसके बाद में जिन मुद्दों के ऊपर वो पहली बार 2014 में सरकार में आए थे, वो में से एक भी मुद्दा उन्होंने पूरा नहीं किया है। केवल धर्म की राजनीति कर रहे हैं, भटकाने की मुद्दों से भटकाने की राजनीति कर रहे हैं। तो लोगों में आक्रोश है और लोगों में ये एक भावना है कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए थी, ये नहीं बनी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने अच्छा काम किया। और जो राहुल जी हमारे नेता हैं, उन्होंने जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा निकाली और अभी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो देश के लोगों के अहम मुद्दों को लेकर के निकाल रहे हैं, इससे भी लोगों में बहुत अच्छा पॉजिटिव संकेत है। और हम लोग पूरे आश्वस्त हैं कि हम सब मिलकर के एकजुटता के साथ में, समन्वय के साथ में हम लोग पूरे जोर तरीके से चुनाव लड़ेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट राजस्थान से लोकसभा में जाने वाला है। इंडिया अलायंस जो हमारा है उसकी बैठकें दिल्ली के अंदर चल रही हैं। हमारे गहलोत साहब और मुकुल वासनिक जी और तमाम हमारे जो नेता हैं वो उसमें व्यस्त हैं। और खड़गे साहब का बयान आपने देखा होगा कि हम सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडिया अलायंस अच्छे तरीके से अलायंस करेगा और उसके बाद में हम लोग चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे और NDA हारेगा और इंडिया जीतेगा। राजस्थान से बहुत अच्छी संख्या में हम लोग जो है वो चुनाव लोकसभा का जीत करके जाएंगे और सरकार इंडिया अलायंस की बनेगी। वो सुझाव सभी तरीके के आए हैं, युवा भी हो, सीनियर लीडर भी हो, जो सारी समीकरण जातिगत समीकरण भी हम लोग देखेंगे, जो लोगों की क्या भावना है, संगठन के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, या जो जनप्रतिनिधि जिनको टिकट दी थी लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, तो उन सबसे हम लोग ये जो कोऑर्डिनेटर हैं वो चर्चा करेंगे, समन्वय बैठाएंगे, स्क्रीनिंग कमेटी के और PEC के जो लोग हैं वो चर्चा करेंगे और उसके बाद में एक सहमति बना करके हम हमारे प्रदेश इलेक्शन कमेटी की ओर से स्क्रीनिंग कमेटी को हम जो है वो हमारा पैनल या नाम सजेस्ट करेंगे और वो उनके ऊपर मंथन करके और फिर हमारी जो एक तरीके से जो हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है CEC उसमें जाएंगे और हम जल्दी कैंडिडेट सिलेक्शन करेंगे। तो टिकट कब तक फाइनल हो जाएंगी? BJP जनवरी के आखिर तक घोषणा कर रही है, वो अनाउंस आपको किसने कहा? मोदी जी ने कहा है, अमित शाह जी ने कहा, न्यूज चलिए हमारी भी चलाओ जल्दी कर रहे हैं। आज कैबिनेट की बैठक थी, मीसाबंदियों की पेंशन फिर से शुरू कर दी जाने की, तो BJP के साथ 6 महीने की आपकी जो सरकारी थी उनकी जांच करवाई जाए। जो 1 करोड़ लोगों को हमारी सरकार के समय शुरू हुई हुई जो पेंशन है उसको तो दे नहीं रहे। राजीव गांधी जो मित्र हैं उनको बेरोजगार वापिस कर रहे हैं, काम टोटल के टोटल रोक दिए गए हैं, उनको वापिस वो लोग चालू नहीं कर रहे हैं। और पर्ची सरकार चल रही है, जाते हैं दिल्ली, एक बात पूछते हैं,
अब कल मुख्यमंत्री जी को इसलिए दिल्ली जाना पड़ा कि मुझे कैबिनेट में क्या चर्चा करनी है और क्या किरोड़ी जी की IRS परीक्षार्थियों की मांग को मानना है नहीं मानना है, ये पूछने के लिए भी मुख्यमंत्री जी को वहाँ जाना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो हालात बने हुए हैं राजस्थान में 1.5 महीने से, उससे सारे के सारे जो लोग हैं राजस्थान के वो बिल्कुल एक तरीके से उनमें निराशा है कि ये क्या हो गया हमसे कि इस प्रकार की सरकार बन गई जिसमें कोई जवाबदेही नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई विकास का रोडमैप नहीं है। 100 दिन की कार्य योजना बनाने की बात करने वाले 100 दिन तो कार्य योजना बनाने में ही लगा देंगे, तो वो 100 दिन की कार्य योजना काम कब करेगी, 100 दिन में क्या काम करेगी, ये बात हमको देखनी पड़ेगी। पेंशन योजना में मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ को दे रहे हैं उनको, किसी को भी नहीं दे रहे हैं, किसी को पैसा नहीं मिल रहा है। जिसने काम कर दिया, रोड का कर दिया, पानी का कर दिया, बिजली का कर दिया, उसको 1 रुपया नहीं मिल रहा है, कोई भुगतान उसको नहीं मिल रहा है। पंचायत राज में जिस जनप्रतिनिधि के पास में पैसा पड़ा है लाखों रुपए, वो अपना 1 फिट की नाली नहीं बना सकता है, 100 मीटर की पाइप नहीं डाल सकता है। तो ये मैं समझता हूँ इनके समझ में नहीं आ रहा है, इनको ये लग रहा है कि हमको ये सरकार दे दी क्यों राजस्थान के लोगों ने, ये समझ से परे इनके। आप